नूरपुर क्षेत्र में आम की बम्पर फसल होने की उम्मीद है। मौसम में धीरे धीरे बदलाव होने के साथ ही आम के पेड़ों में बौर आ गया है। बौर की मीठी सुगंध से आम के बगीचे महक उठे हैं। यदि मौसम ने बागवानों का साथ दिया तो इस बार फसल बढ़िया होने के आसार हैं। आम के पेड़ों पर आमतौर पर फरवरी माह के मध्य में बौर आना शुरू हो जाता है। मार्च के प्रथम सप्ताह तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद फल बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव के कारण आम के पेड़ों पर लगभग डेढ़ सप्ताह पहले ही बौर आ गया है। बौर जल्द आने की विशेषज्ञ असामान्य नहीं मानते। विशेषज्ञों के अनुसार बागवानों को आम की बेहतर फसल के लिए बौर के बाद फल की सेटिंग के समय उचित दवाइयों का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए, ताकि बीमारियों की रोकथाम की जा सके। आम उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले जिला कांगड़ा के सीमांत क्षेत्र नूरपुर, राजा का तालाब, गगत, इंदौरा, इंद्रपुर, सदवा, लोदड़ी व लुगोड़ के बागवान आम की उम्दा फसल की पैदावार में अग्रणी माने जाते हैं, लेकिन कुछ सालों से जिले के निचले इलाकों में पड़ रहे सूखे ने बागवानों की कमर तोड़ रखी थी। वहीं इस बार ऑन ईयर होने के चलते आम की बम्पर फसल से किसानों की जेबें भरेंगी। कांगड़ा जिले में कुल बागवानी की उपज 37,878 हेक्टेयर भूमि में से करीब 21,245 हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ आम की फसल होती है। आम की फसल जो है बहुत अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि बारिश ने भी समय समय पर जो है वो किसानों का साथ दिया है, और उम्मीद है कि अच्छी बम्पर फसल जिसको हम बोलते हैं वो होने की संभावना है, जिससे किसान लोग भी बहुत खुश है और उसके साथ व्यापारी वर्ग वो भी बहुत बहुत खुश है कि इस बार जो है वो अच्छी आम की संभावना है। अभी आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे आम से लदे हुए बोर से लदे हुए आम हैं, काफ़ी अच्छा फूल आया है इनके ऊपर, और अगर मौसम ने साथ दिया तो अच्छी फसल होगी। रही इसकी गेहूं की बात, तो गेहूं की भी अच्छी फसल है, ठीक है, और जो बारिश जो है वो गेहूं के लिए जो जितनी बारिश हुई है, वैसे बारिश कम हुई है, लेकिन गेहूं के लिए जितनी बारिश हुई है वो अच्छी बारिश है, सही बारिश है, और एक बारिश और हो जाए तो मेरे को लगता है कि गेहूं की फसल भी हमारे जो है वो इस इलाके में बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर दौलत राम वर्मा, उपनिदेशक उद्यान विभाग, ने कहा कि इस बार आम की फसल का ऑन ईयर है, जिससे आम की भारी पैदावार होने की उम्मीद है। बागवान आम की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए बौर खिलने के बाद फलों की सेटिंग के समय उचित दवाइयों का उचित मात्रा में छिड़काव करें, ताकि आम की फसल को बीमारियों से बचाया जा सके। की फसल का ऑन ईयर है, पिछली बार जो था ऑफ ईयर था, फसल इसमें प्रोडक्शन जो थी कम हुई थी, इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और लोगों को सलाह दी जाती है कि जैसे ही हमारा फ्रूट सेट होता है, इसमें आप एक मैंगो हॉपर करके कीड़ा लगता है उसमें दवाई का छिड़काव करें। हमारे पास दवाइयां विभाग के पास जगह जगह उपलब्ध है, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी के बचाव के लिए इरीगेशन करें पौधों में, और जिससे हमारा जो गुणवत्ता है फल की वो बढ़ेगी, अच्छा फल आएगा और इसका कलर भी अच्छा आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।